नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की सुरक्षा में कथित चूक के मामले में पंजाब सरकार के खिलाफ याचिका दायर। 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मामले। चांदनी चौक के लाजपत राय मार्केट में आग, 105 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। और कजाकिस्तान में बढ़ी तेल कीमतों के खिलाफ विरोध के आगे सरकार झुकी, पीएम ने दिया इस्तीफा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज भोपाल के एक मंदिर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सैकड़ों लोगों के साथ बैठकर हवन किया। यह हवन था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए। पिछले 24 घंटे में देश के प्रधानमंत्री की जान को कथित खतरे की हजारों खबरें देखने को मिली हैं। मामला है पंजाब के फिरोजपुर का, जहां पीएम की कल सभा होने वाली थी, मगर भटिंडा के फाजिल्का फ्लाईओवर से ही उन्हें वापस जाना पड़ा, क्योंकि सड़क पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने पहले से ही ऐलान किया था कि वो मोदी की रैली का विरोध करेंगे। मोदी ने जाते जाते भटिंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों से कह दिया कि अपने सीएम को धन्यवाद देना कि मैं यहां तक जिंदा वापस आ गया। भारतीय जनता पार्टी और तमाम मेनस्ट्रीम मीडिया की तरफ से इस घटना को मोदी की जान पर खतरा बताते हुए बेहद उछाला जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को पंजाब सरकार के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी की जाएगी। इस मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने भी कमेटी बना दी है, जो 3 दिन में रिपोर्ट इसकी जो है पेश करेगी। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को सुरक्षा में चूक के नाम पर घेरना शुरू कर दिया है, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का कहना है कि पीएम 70,000 लोगों को संबोधित करना चाह रहे थे, मगर आए सिर्फ 700 लोग, इसीलिए वो वापस चले गए। और कांग्रेस ने इसे एक फ्लॉप शो बताया है। हालांकि आगामी चुनावों के लिए बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाए रखने की कोशिश जो है वो जारी रखी हुई है। अब बात करते हैं कोरोना महामारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार 6 जनवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 7 महीने बाद 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में 325 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य सरकारों की पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात बेकाबू हो रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा मामले आए हैं, पश्चिम बंगाल में 14,000 से ज्यादा और दिल्ली में 10,665 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 19,000 मरीजों को ठीक भी किया गया है, लेकिन एक्टिव मामलों में आज भी 70,000 से ज़्यादा मामलों की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन देश के अब तक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है और कुल मामले ओमिक्रॉन के 2600 से भी ज़्यादा हो गए हैं। अब बात करते हैं चांदनी चौक की। दिल्ली के चांदनी चौक के मशहूर लाजपत राय मार्केट में आज सुबह एक भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 105 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 5 बजे ये आग लगी, जिसमें किसी की जान नहीं गई है। आग लगने की वजह क्या थी, इसकी जानकारी भी अभी नहीं मिल पाई है, मगर अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग लगी है। बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने तक दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई थी। और आपको बता दें कि लाजपत राय मार्केट इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए मशहूर है और ये लाल किले के पास जैन मंदिर के एकदम सामने है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आग में करोड़ों का नुकसान हो गया होगा। भारत में इस समय पेट्रोल की कीमत 100 के करीब है। गैस सिलेंडर भी 1,000 रुपए के आसपास बिक रहा है। एक तरफ भारत है जहां महंगाई का विरोध करने वालों को आमतौर पर एंटी नेशनल तक कह दिया जाता है, और दूसरी तरफ है खाड़ी देश कजाकिस्तान, जहां की सरकार को एलपीजी की कीमत दोगुनी करने का ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ा कि अब उस देश में आपातकाल लग चुका है और सरकार गिर गई है। बता दें कि सरकार ने देश में अचानक ही एलपीजी की कीमत बढ़ा दी थी, जिसका जनता ने इतना बड़ा विरोध किया कि देश भर के लोग सड़कों पर आ गए और आखिरकार सरकार को स्टेप डाउन करना पड़ा। बढ़ती महंगाई के साथ साथ लोग देश के लोकतंत्र पर बढ़ते हमलों और आर्थिक असमानता के खिलाफ भी गुस्से में थे। आज के न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में सिर्फ इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जाइए और हमें YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। देखने के लिए शुक्रिया।